बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में ये सीखेंगे कि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कैसे किया जाता है या स्टॉप कैसे किया जाता है। पर सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करना या स्टॉप करने का मतलब क्या होता है। हम सब ये जानते हैं कि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, आउटपुट आता है वो हम स्क्रीन पर देखते हैं। जैसे कि ये कोड है, उसका आउटपुट हमें स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आता है कि जो कोड है वो प्रिंट होता है। उसके बाद हमें स्टेटमेंट्स नज़र आती हैं जो कि हमें बताती हैं प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर सम सेकंड्स, मतलब कि प्रोसेस हमारा एग्जिट हो चुका है। पर अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस एग्जिट ना हो जब तक हम ना चाहें, तो उसके लिए हम स्क्रीन को होल्ड करते हैं या स्टॉप करते हैं। तो अब सीखते हैं कि उसके क्या तरीके होते हैं। स्क्रीन को होल्ड करने के लिए या स्टॉप करने के लिए एक फंक्शन होता है गेट सी एच। गेट सी एच मतलब कि गेट कैरेक्टर, जो कि एक कैरेक्टर हासिल करेगा, उसके बाद ही स्क्रीन एग्जिट होगी, वरना एग्जिट नहीं होगी। चलिए उसको यूज़ करके देखते हैं। पर जो गेट सी एच फंक्शन है, वो फंक्शन कॉनियो डॉट एच कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में प्री डिफाइंड है। तो इसके लिए हम यहाँ पर उस हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे और उसके बाद हम वो फंक्शन यूज़ करेंगे, गेट सी एच फंक्शन सेमीकोलन। अब अगर हम अपना आउटपुट देखेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले सेव करेंगे प्रोग्राम को, उसके बाद एग्जीक्यूट में कंपाइल एंड रन। अब यहाँ पर हमारा आउटपुट जो है वो आ चुका है हेलो वर्ल्ड, जो हमने प्रिंट करवाया था। पर यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है अभी भी कंटिन्यू है, एग्जिट नहीं हुआ। अब जब तक हम कोई भी की कैरेक्टर कीबोर्ड से प्रेस नहीं करेंगे, ये एग्जिट नहीं होगा। तो चलें कोई भी की प्रेस कर देते हैं। तो जैसे ही हमने कीबोर्ड से की प्रेस की तो ये एग्जिट हो गया और ये हमें बता रहा है कि प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर 26 सेकंड्स। जितनी देर हम इस स्क्रीन को होल्ड करके रखेंगे, ये हमें बताएगा कि इतने देर तक आपने इस स्क्रीन को होल्ड किया है और उसके बाद ये स्क्रीन जो है एग्जिट हो गई, ये प्रोग्राम एग्जिट हो चुका है। अब हमें ये तो पता चल गया कि गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। पर ये लाजमी नहीं है कि हम कोड के लास्ट में ही गेट सी एच इस्तेमाल करें, हम कोड के दरमियान में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम एक स्टेटमेंट लिखें, उसके बाद गेट सी एच हो और उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट हो, तो तब भी ये गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड करेगा। पर जिस स्टेटमेंट के बाद यूज़ किया होगा, उस स्टेटमेंट के बाद स्क्रीन होल्ड हो जाएगी। जैसे कि हम इस कोड को सेव करते हैं और देखते हैं, ये एक स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद स्क्रीन होल्ड हो चुकी है। अब कोई की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो उसके बाद ये जो दूसरी स्टेटमेंट है वो भी स्टेटमेंट प्रिंट हुई, उसके साथ एग्जिट भी हो गया हमारा कोड। अगर हम यहाँ पर अगेन गेट सी एच यूज़ करते तो ये वर्ल्ड लिखने के बाद एग्जिट नहीं होता, उसके बाद अगेन हमसे पूछता कि आप कोई कैरेक्टर कीबोर्ड से प्रेस करें। मतलब कि जहाँ पर भी हम गेट सी एच यूज़ करेंगे, वहाँ पर हमें कोई कैरेक्टर को प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही स्क्रीन जो है आगे चलेगी या स्क्रीन एग्जिट होगी। अब हम बात करते हैं कि गेट सी एच, गेट सी एच ई और गेट सी एच ए आर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर हम गेट सी एच की बात करें, तो गेट सी एच एक ऐसा फंक्शन है जो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है जब तक हम कोई भी की प्रेस ना करें कीबोर्ड से। जैसे ही हम कोई की को प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो हमारा जो प्रोसेस है वो एग्जिट हो जाता है। पर यहाँ पर जो हमने की प्रेस की है वो की नज़र नहीं आती कि वो कौन सी की हमने प्रेस की है, और यहाँ पर इंटर करने की भी ज़रूरत नहीं होती। बस जैसे ही हम की को प्रेस करते हैं तो जो हमारा प्रोसेस है वो एग्जिट हो जाता है। पर उसकी जगह पर अगर हम गेट सी एच ई यूज़ करते हैं, उसमें भी आउटपुट होल्ड होता है, पर जो हम की प्रेस करते हैं वो की यहाँ पर नज़र आती है। जैसे कि जे प्रेस किया गया था तो ये जे यहाँ पर नज़र आया है और उसके बाद प्रोसेस एग्जिट हो चुका है। पर यहाँ पर भी जे के बाद इंटर को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर जस्ट डिफरेंस ये था कि यहाँ पर जो मैंने की प्रेस की वो भी यहाँ पर नज़र आ गई। और अगर हम बात करें गेट सी एच ए आर की, तो वो भी स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है और उसमें भी जो हम की प्रेस करते हैं वो नज़र आती है। जैसे कि यहाँ पर H प्रेस किया गया है, या कोई और भी प्रेस कर सकते हैं, K, L, M, इस तरीके से कोई भी कैरेक्टर प्रेस कर सकते हैं।
पर यहाँ पर कैरेक्टर प्रेस करने के बाद हमें इंटर को भी प्रेस करना होगा, तभी हमारा जो प्रोसेस है वो एग्जिट होगा, वरना प्रोसेस एग्जिट नहीं होगा। तो सिंपली ये थे डिफरेंस गेट सी एच, गेट सी एच ई और गेट सी एच ए आर में। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि सिंपल प्रोग्राम कैसे बनाया जाए, तो उस पर भी ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। आप इस वीडियो पर क्लिक करके वो देख सकते हैं कि सिंपल प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड या कोई भी नेम कैसे प्रिंट किया जाता है।